इस्लामिक नए साल के मौके पर गिलाफ ए काबा को बदला गया। काबा के गिलाफ को किस्वा कहा जाता है। गिलाफ ए किस्वा को बनाने में 670 केजी सिल्क व 120 किलोग्राम सोने व 100 किलोग्राम चांदी का भी इस्तेमाल होता है। गिलाफ ए किस्वा हर साल बदला जाता है। फिर बदले हुए गिलाफ को मिनिस्ट्री के आदेश अनुसार इस्लामिक म्यूजियम को तोहफे में दे दिया जाता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार किस्वा का परिवर्तन शेख अल सुदीस के नेतृत्व में किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स के 200 तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किया गया था। हरमन शरीफ प्रशासन के प्रमुख आला शेख डॉ अब्दुल रहमान अल सादिस ने कहा कि शाही फैसले के तहत बदलाव को लागू किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार शेख अल सुदीस के नेतृत्व में शाह अब्दुलजीज कॉम्प्लेक्स के 200 तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किस्वा को बदला गया। काबा के नए गिलाफ में 4 बराबर पट्टियां और 17 अलबाब शामिल हैं, जहां से उन्हें हटाया जाता है और पिछले गिलाफ को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 4 बार बारी बारी से दोहराया जाता है, जब तक कि नया गिलाफ नहीं लग जाता है। शाह अब्दुलजीज के तकनीकी कर्मचारी 47 कपड़ों और धागों का उपयोग करके काबा के गिलाफ को हाथ से और मशीनों से सिलते हैं, बुनते हैं और प्रिंट करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी 16 मीटर लंबी कंप्यूटरीकृत सिलाई मशीन से पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। काबा के गिलाफ को 5 अलग अलग हिस्सों में सिलने के बाद उसके निचले हिस्से को तांबे के छल्लों से जोड़ा जाता है। शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में काबा गिलाफ तैयार करने के लिए करीब 670 किलो रेशम को काले रंग से रंगा जाता है। काबा का गिलाफ कुरान की आयतों से सजाया गया है, जो सोने और चांदी के धागों से बुने जाते हैं। इस प्रक्रिया में 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। काबा के कवर का वजन 850 किलोग्राम है और इसकी तैयारी की लागत 6.5 मिलियन डॉलर यानी किस्वा है। दुनिया का सबसे महंगा गिलाफ।